हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो एक मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो है। मैंने इस तरह का कुछ लुक क्रिएट किया है, तो चलिए देखते हैं मैंने ये लुक कैसे अचीव किया है। मगर उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने निविया का मॉइस्चराइज़र लिया है और अपने फेस को हाइड्रेट किया है। देन मैंने अपने लिप्स को मॉइस्चराइज किया है बोरो प्लस क्रीम से। इसके बाद मैंने गुड वाइब्स का सीरम लिया है और उसे अपने फेस पर अच्छे से लगाया है। इसके बाद मैंने प्राइमर के लिए एलोवेरा जेल का यूज़ किया है। फाउंडेशन के लिए मैंने किस ब्यूटी का पैलेट लिया है उसमें से ये शेड पिक करके मैंने अपने फेस पर लगाया है। इसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड किया है। मैंने इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड किया है और इसके बाद मैं इसे कॉम्पैक्ट से सेट कर लूंगी, ताकि मेरा बेस क्रीज ना करे। मैंने अपने बेस मेकअप को अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। देन मैंने आई बेस के लिए डार्लिंग इसाबेला का कंसीलर यूज किया है और इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद मैंने कॉम्पैक्ट से इसे सेट किया है। देन मैंने मार्स का मैट पैलेट लिया है आई शेडो का और उससे ये शेड पिक किया है और इसे मैंने क्रीज पर ब्लेंड किया है। शेड को मैंने एज अ ट्रांजेक्शन शेड यूज़ किया है। मैं अच्छे से इस शेड को ब्लेंड करूँगी। बाद मैंने ये दूसरा कलर लिया है डार्क ब्राउन और इसे उस कलर के नीचे प्लेस करके अच्छे से ब्लेंड किया है। मैंने दोनों कलर्स को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद मैंने वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर लिया है और इस हाइलाइटर को अपने आईलेट तक प्लेस किया है। अब मैं इसे ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूंगी, ताकि एक सिंपल सा आई लुक क्रिएट हो जाए। देन मैंने स्ट्रे क्वर्की का आईलाइनर लिया है और उससे एक बेसिक आईलाइनर ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद मैंने मेबेलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा लिया है और उससे अपने आईलैश को कर्ल किया है। इसके अलावा मैं काजल अवॉइड करती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ काजल का यूज़ नहीं किया है। देन इसके बाद मैंने एक फ्लैट ब्रश लेके डार्क ब्राउन शेड को अपनी लोअर लैश लाइन पर लगाया है। इसी तरह से मैंने अपने दोनों आई का मेकअप कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मैंने मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल ली है और उससे अपने आईब्रोज को फिल कर लिया है। इसके बाद मैंने इसके कॉम्ब से प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसके बाद मैंने दूसरी आईब्रो भी फिल कर ली है। इसके बाद मैंने वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर लिया है और इससे अपने ब्राउ बोन्स और इनर कॉर्नर को हाइलाइट किया है। सभी प्रोडक्ट के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट बाय करना हो तो डायरेक्ट आप वहां से बाय कर सकते हैं।
इसके बाद मैंने मार्स का ब्लश पैलेट लिया है, उससे ये पिंक शेड पिक करके अपने फेस पर प्लेस किया है। इस मेकअप लुक में मैंने फेस कॉन्टोरिंग नहीं की है, सिर्फ हाइलाइटिंग की है। तो सबसे पहले मैंने फॉरहेड की हाइलाइटिंग की है और उसके बाद चीक बोन्स की। उसके बाद मैंने चिन एरिया में हाइलाइटिंग की है और ब्रिज ऑफ द नोज में हाइलाइटिंग की है। मैंने अच्छे से पूरे फेस की हाइलाइटिंग कर ली है। इसके बाद मैंने ADS का मेकअप फिक्सर यूज किया है, इससे पूरे मेकअप को फिक्स कर दिया है और एक्सेस प्रोडक्ट को ब्यूटी ब्लेंडर से रिमूव कर दिया है। देन इस मेकअप के लिए मैंने NYBA की लिपस्टिक का यूज किया है। फाइनल मेकअप लुक कुछ इस तरह का है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।